लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी की पहली कार्य समिति की बैठक देहरादून में हो रही है। बैठक में केंद्रीय ऊर्जा आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर समेत दिग्गज नेता शामिल हैं। इसके साथ ही बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर हार के कारणों की समीक्षा होगी और इसके अलावा बैठक में आगामी निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा और रणनीति तैयार की जाएगी। कार्य समिति की इस बैठक में संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया को लेकर भी चर्चा की जाएगी। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल और मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से न्यूज स्टेट के संवाददाता ने खास बातचीत की है। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। आज भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक शुरू होने जा रही है और हमारे साथ राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी है। बंसल जी, आज जो ये वैसे तो रेगुलर प्रोग्राम होता है पार्टी का, तो काफी दिनों बाद हो रहा है, क्या क्या मेन मेन मुद्दे यहाँ पर आज? चुनाव के बाद ये पहली विस्तारित कार्य समिति हो रही है जिसमें हमारे मंडल से लेकर ऊपर तक के सभी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि सभी सम्मिलित हो रहे हैं। इसमें हम लोकसभा चुनाव की समीक्षा करेंगे, दोनों जो विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं उनकी भी समीक्षा करेंगे, क्योंकि हर चुनाव की हम चाहे जीते या हारे समीक्षा करते हैं, हार से भी हम सीख लेकर के आगे बढ़ते हैं। और आगे का जो हमारा संगठन पर्व होने वाला है 1 अगस्त से, जिसमें हमारा सदस्यता अभियान, सक्रिय सदस्यता, सत्यापन, फिर बूथ का, मंडल का, जिले का, प्रदेश का चुनाव, ये जो करीब 5 महीने की प्रक्रिया होती है, इसका सारा रोडमैप भी आज सेंट्रल लीडरशिप से भी कोई आ रहा है? सेंटर से हमारे ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी आ रहे हैं जो हमारा मार्गदर्शन करेंगे। आज एक दिन के प्रदेश के प्रभारी श्री दुष्यंत गौतम जी, सह प्रभारी बहन रेखा वर्मा जी, ये सब आ रहे हैं। आइए देखिए, मंत्री जी से भी बात करते हैं। तो हमारे साथ वित्त मंत्री जी हैं, खजाना मंत्री उत्तराखंड के। तो आज प्रदेश कार्य समिति है अग्रवाल जी, तो किस तरह के कार्यक्रम यहाँ पर हैं और क्या मतलब डिप्लोमेसी के तौर पर देखें प्रदेश कार्य समिति का क्या प्रभाव होता है कार्यकर्ताओं के ऊपर? देखिए, आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में लगातार हर रूप में हम लोग बैठके करते हैं और प्रदेश की ये वो बड़ी बैठक है जिसे हम विस्तारित प्रदेश कार्य समिति की बैठक कह रहे हैं। इलेक्शन जो अभी हुए हैं उसकी भी हर की समीक्षा वगैरह पर कोई बातचीत होगी? हमने कहा ना कि हमने क्या पाया है, क्या हमें और करना है, उन बातों को लेकर हम लोग बैठते हैं। अब क्या खोया है इस पर भी बात करेंगे। हमारा जो नेतृत्व है वो हमारा मार्गदर्शन करता है। क्या खोया है इस पर भी बात नहीं करेंगे? हम हर तरह के देखिए, जो भी मैंने कहा कि हम लोग जीतते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमने आसमान छू लिया, या हारते हैं तो हम कोई धरातल पे चले जाते हैं, ऐसा नहीं है। अब आप देखिए, 1984 में जहां 2 सीटें थी वहां 303 के बाद 240 हैं, यानी कि आज भी देश की सर्वाधिक सांसदों वाली पार्टी है, सर्वाधिक कार्यकर्ता सदस्य हमारी पार्टी में है। अग्रवाल जी, स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर के भी कोई बातचीत आज होगी? देखिए, हर तरह की बातचीत होती है, हर तरह की बातचीत है, क्योंकि आप जानते हैं सीमित समय है और हमारे पास मुद्दे ज्यादा होते हैं, मौका लगेगा तो उस पर भी बातचीत होगी। तो मेरे साथ देखिए राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी थे, उसके बाद वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी ने बातचीत की। उन्होंने बताया इस प्रदेश कार्य समिति में किस तरह की बातें, किस तरह के विषयों पर चर्चा होने जा रही है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। उत्तराखंड में भारी बारिश का